मैंने अपना मुख्य वक्तव्य तो पहले ही कर दिया, अभी साध्वी प्रमुखा जी का महत्वपूर्ण उद्बोधन प्राप्त हुआ, उससे पूर्व अनेक उपक्रम चले, ज्ञानशाला के संदर्भ में, सभाओं के संदर्भ में, वैशिष्ट्य के उपलक्ष्य में सम्मान दिया गया और महासभा ने ज्ञानशाला और सभाओं को जो सम्मान दिया, उस सम्मान को प्रेरणा के रूप में माना जाना चाहिए कि और ज्यादा एक संकल्प पुष्ट हो कि हम अच्छा काम करें और अपने आप को धन्य बनाएं। तो आज का हमारा प्रथम दिन का मर्यादा महोत्सव के त्रिदिवसीय कार्यक्रम का समारोह संपन्नता के करीब है। सेवा का मुख्य संदर्भ था, मुझे स्मरण है गत वर्ष आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी परम पूज्य श्री ने फरमाया था कि पंचमी के दिन सेवा के संदर्भ में बात होनी चाहिए। मैंने उसको याद रखा और उसी के अनुसार कुछ सेवा के संदर्भ में कुछ उपक्रम कार्यक्रम चलाने का प्रयास किया। तो दो दिन और हमारे हैं मर्यादा महोत्सव के त्रिदिवसीय कार्यक्रमों के, रात्रि में भी वैसे कार्यक्रम रखा हुआ है, तो आगंतुक लोग कार्यक्रमों का लाभ उठाएं, बीच का समय मिले उसमें भी साधु साधियों से संपर्क करने का प्रयास करें और अपने समय का सदुपयोग करने का प्रयास करें। अनेक जानकारियां यहां आने से मिल सकती हैं और वे जानकारियां भी काफी लाभदायी सिद्ध हो सकती हैं। इन्हीं बातों के साथ कि हम आगे बढ़ें, हमारी साधना आगे बढ़े, हम ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ें और अपने आप को भावित करते हुए धर्म शासन की गौरव वृद्धि करने का प्रयास। मंगल संबोधन के बाद आप और हम सुने मंगल पाठ। अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपन्नतम धम्मं शरणं पवज्जामि। अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपन्नतम धम्मं शरणं पवज्जामि। अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपन्नतम धम्मं शरणं पवज्जामि।